बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। नाज़रीन गिरामी, ज़रई इजलास के उतार चढ़ाव को आपके साथ शेयर करते चलें तो तकरीबन हर इजलास में आज मंदी देखी जा रही है। तो रेट्स की जानिब बढ़ते हुए सबसे पहले मूंग के हवाले से बात करें तो आज गल्ला मंडी पिपला में मंदी का रुझान देखते हुए 10,600 रुपए फी मन, जबकि सरगोधा मार्केट 11,400 रुपए फी मन तक रेट रहा। फैसलाबाद मार्केट को देखा जाए तो 100 रुपए कमी का रुझान देखते हुए 11,800 रुपए फी मन पे ओपन हुई और सिंध हैदराबाद भी 800 रुपए फी मन तक रेट रहा। महरीन का कहना है कि नवंबर में किसी भी वक्त तेजी का समान देखा जा सकता है, लेकिन फिलहाल दाल का बिक्रा न होने की वजह से मूंग मार्केट में खामोशी छाई हुई है। काफी ट्रेडर्स का कहना है कि ये 2 माह और 2 दिसंबर का असर भी मूंग पे जरूर पड़ेगा, क्योंकि 10 से 15 दिसंबर के बाद पेमेंट का भी बहुत ज्यादा इशू होता है, जिसकी वजह से तकरीबन हर इजलास पे असर पड़ेगा। किनौला के हवाले से बात करें तो आज गल्ला मंडी पिपला में 8,150 रुपए, जबकि मुल्तान 8,200 रुपए फी मन तक रेट रहा और खानेवाल ओपन बोली पे 8,200 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। सरसों के हवाले से बात करें तो आज गल्ला मंडी पिपला में 7,200 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। बाजरा में कोई उतार चढ़ाव ना देखते हुए गल्ला मंडी पिपला में 2,875 रुपए, जबकि सरगोधा मार्केट 2,925 और मुल्तान मार्केट 2,900 रुपए फी मन तक रेट रहा। लाहौर मार्केट की बात करें तो 3,000 रुपए फी मन, जबकि रावलपिंडी 3,100 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा सिंध हैदराबाद की बात करें तो 7,650 रुपए फी क्विंटल तक रेट रिकॉर्ड किया गया। महरीन का कहना है कि बाजरे का रेट 8,000 प्लस बन सकता है। गंदम के हवाले से बात करें तो गल्ला मंडी पिपला में 7,200 रुपए फी क्विंटल, जबकि इस्लामाबाद मार्केट 7,700 रुपए फी क्विंटल तक रेट रहा। गंदम की बिजाई के हवाले से भी आपको बताते चलें कि काफी व्यूवर्स ने कमेंट्स किया कि जनवरी तक बिजाई होती रहेगी। इसमें कोई शक नहीं कि जनवरी तक काफी जिम्मेदार बिजाई करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन उस जुमरे में के जहां पे कपास वाली जगह खाली ना हो, तकरीबन जनवरी तक कपास की फसल उठाने तक बिजाई में बहुत ज्यादा लेट कर देते थे, लेकिन अब ये सूरत हाल बन चुकी है कि मार्केट में कपास का एक आखिरी हफ्ता चल रहा है। इसके बाद तकरीबन जमींदारों के पास जमीनें खाली हो जाएंगी और नवंबर के आखिर तक तमाम तक बिजाई का अमल मुकम्मल कर सकते हैं। काला चना के हवाले से बात करें तो गल्ला मंडी पिपला में 11,100 रुपए फी मन, जबकि फैसलाबाद मार्केट 11,400 रुपए, सरगोधा मार्केट 11,600 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान मार्केट 11,500 रुपए फी मन तक रेट रहा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन चना कराची पोर्ट की बात करें तो 257 रुपए CHKM क्वालिटी और नंबर 1 की बात करें तो 261 रुपए फी किलोग्राम पर ट्रेड होने लगा और दिसंबर के सौदे 250 रुपए फी किलोग्राम पर एडवांस किए जा रहे हैं। सफेद चना के हवाले से बात करें तो गल्ला मंडी पिपला में 25,400 रुपए फी क्विंटल तक रेट मुस्तहकम रहा। शुगर के हवाले से बात करें तो मार्केट में कोई उतार चढ़ाव न देखते हुए 12,000 रुपए अलनूर शुगर मिल मुस्तहकम रही। मजीद धान के हवाले से बात करें तो 1509 4,100 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया, लेकिन इसके अलावा लोकल मार्केट को देखा जाए तो 3,200 रुपए से 3,600 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किए गए। कपास के हवाले से बात करें तो आज गल्ला मंडी पिपला में 8,800 रुपए से 8,900 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। आखिर पे तिल की बात करें तो आज गल्ला मंडी पिपला में 9,000 रुपए से 12,000 रुपए फी मन तक रेट रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन ग्रामी, तिल मजीद तेज हो सकता है और यहाँ पे होल्ड भी करना चाहिए, क्योंकि अभी मजीद डिमांड के दिन शुरू होने वाले हैं। तिल अच्छी मजदूरी दे सकता है। जो जो सर्दी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तिल की डिमांड भी बढ़ती जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।